स्टूडेंट्स हैं, ये अलग अलग आसपास के गाँव के हैं जो हमारे यहाँ से कोर्स करके गए हैं बच्चे, ये सबकी नौकरियाँ लगी है आफ्टर जस्ट 3 इयर्स। 10वीं के बाद इन्होंने 3 साल का कोर्स किया और उसके बाद अच्छे नंबरों से ये पास हुए हैं, मैरिट में आए ये बच्चे और फिर इन्होंने अपने इंटरव्यूज वगैरह दिए। और इंटरव्यूज के लिए भी बेटा हम लोग आप बच्चों को खुद लेके जाते हैं, बस वगैरह हमारी कॉलेज की बस जाती है या प्लेसमेंट कंपनीज को अपने कॉलेज में बुलाते हैं, वहाँ पे बच्चों के इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं। तो ऑन द होल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें सोचो तुम आज कुछ ऐसे घरों से हो, कई बच्चों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती है कुछ है ना, तो अगर आप लोग चाहते हो कि हम जल्दी से जल्दी सेटल हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो ये स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है ना, जिसको करने के बाद आप जल्दी से जल्दी जॉब में भी जा सकते हो। और अगर आप फर्दर हायर स्टडीज करना चाहते हो जैसे बीटेक वगैरह करना चाहते हो, बीटेक होता है ना बैचलर इन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में, बैचलर्स करना चाहते हो, कहीं जॉब लेना चाहते हो। कंप्यूटर इंजीनियर, उसके बाद कोई भी देश प्रगति तब तक नहीं कर सकता जब तक शहर और गांव दोनों ही बराबर नहीं चले और उन दोनों की कलेक्टिव जो अप्रोच है कंट्री को ना सपोर्ट करें। अगर कनेक्टिविटी हो रही है तो वो रोड से होती है, और ये जो रोड है वो कौन बनाता है? सिविल इंजीनियर की सुपरविजन में बनती है। और मोर ओवर इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम देख रहे हैं डेढ़ अक्टूबरी धड़ाधड़ धड़ाधड़ हर साल क्या कर रहे हैं, हमने क्या कर लिया, दसवीं कर लिया, उसके बाद ये कर ली, छह हमें कर ली, फिर दूसरी हमें कर ली, उन्हें आता क्या है? कुछ भी नहीं आता क्या है, प्रैक्टिकली सिर्फ हम क्लासें पढ़े जा रहे हैं। क्लासें पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ आना भी चाहिए। आप जो पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं, अपने पास दो डेढ़ हैं यहाँ बच्चा, वो सीधा वहाँ सेकेंड ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकता है, वो लेटरल एंट्री हम उसको बोलते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने 2 साल लगाए, 2 साल में आपके पास क्या हो गया, डिप्लोमा हो गया। उसके बाद अगर आपको आता है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने सीखा क्या है। अगर सिर्फ बीएनबी डिग्री की है ना, कोई वैल्यू नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूँ, टमाटर क्लास देता हूँ, या अपने घर में एक टीवी ठीक करने के लिए, फ्रिज ठीक करने के लिए मैकेनिक को बुलाना है, कौन से को बुलाओगे? जिसको कुछ आता है, जिसको कुछ नहीं आता, जिसको नॉलेज है उसी को बुलाओगे? अगर नॉलेज आएगी कहाँ से? कमिंग ईयर्स में 5-10 साल के बाद आप लोग मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले होंगे, कहाँ से करोगे? अगर सीखो सिखाएगा तभी तो ज्यादा कीमत है ना। इसलिए बेटा ये बात का ध्यान रखो। और एक सर्विसेज है, जो किसी का भाई बहन 10वीं में फेल हो गया है, 10वीं में पीजी और एडमिशन में दिक्कत आती है, वो भी क्या कर सकता है, उसका पढ़ने का मन है, जब आप खुले में विश दे रहा, अगर वो वहाँ जाता है तो वो पॉलिटेक्निक की लाइन में जा सकता है। ठीक है जी, आपका मन करना है पूछने का, बट आप झिझक रहे हो पूछने से, तो आप इस पे कॉल कर सकते हो हमें।